हे गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। मैं हूं अभिषेक। यहां पे हम लोग आज देखने वाले हैं गोखले मेमोरियल गर्ल्स कॉलेज का पूरा रिव्यू। ये कॉलेज भी बहुत बेहतरीन कॉलेज माना जाता है। यहां पे इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर देख लीजिए 1938, और कॉलेज सिर्फ वुमेन्स कॉलेज है, यहाँ पे सिर्फ गर्ल्स लोग पढ़ते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग इसका एड्रेस जानेंगे। 1/1 हरीश मुखर्जी रोड, गोखले रोड, भवानीपुर, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, 7,20,000। हरीश मुखर्जी रोड में ये सारे ये गोखले मेमोरियल कॉलेज है, यहाँ पे आप लोग बिल्कुल पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छा कॉलेज माना जाता है गर्ल्स के लिए। फोन नंबर यहाँ पे देख लीजिए, अगर कोई भी क्वेरी हो इनको फोन कर सकते हैं बिल्कुल। और ये इनका वेबसाइट है gokhlecollegekolkata.edu.in। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कोर्सेज के बारे में, नेक्स्ट बात करते हैं कोर्सेज के बारे में। लेकिन इसके पहले, अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऑफकोर्स जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हम लोग को जो है मोटिवेशन मिले ये सब सारे वीडियोस बनाने का। बहुत मेहनत कर रहे हैं आपने के लिए, ठीक है। और अगर आपने प्रीवियस जितने भी कॉलेजेस के वीडियो मैंने बनाए हैं उसको नहीं देखे हैं तो प्लीज वो सब भी देखिए। प्लेलिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, ठीक है। चलिए, यहाँ पे कौन कौन से कोर्स का आप लोग ऑनर्स कर सकते हैं देख लीजिए। यहाँ पे बंगाली ऑनर्स कर सकते हैं, एजुकेशन ऑनर्स कर सकते हैं, इंग्लिश ऑनर्स कर सकते हैं, ज्योग्राफी ऑनर्स कर सकते हैं, हिंदी ऑनर्स कर सकते हैं, हिस्ट्री ऑनर्स कर सकते हैं, फिलोसफी ऑनर्स कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर सकते हैं, साइकोलॉजी ऑनर्स कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। बैचलर ऑफ साइंस में देख लीजिए, केमिस्ट्री ऑनर्स कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, और यहाँ पे साइकोलॉजी ऑनर्स यहाँ पर भी कर सकते हैं बीएससी से, ठीक है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं इनटेक कैपेसिटी, कितने सारे सीट्स यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए 5% बस रिजर्वेशन रहता है, और बाकी सीट्स जो 95% जो सीट्स रहते हैं वो सब के लिए जनरल वालों के लिए अवेलेबल रहता है, ठीक है, जनरल वो सीट रहता है। इसके बाद हम जानेंगे, अभी हम लोग जानेंगे फीस स्ट्रक्चर, फीस क्या रहता है, जैसे कि 2023 और 2024 के लिए फीस कितना रहता है। अच्छा, अगर आप लोग बीए ऑनर्स करना चाहते हैं, तो बीए के लिए आप लोगों का फीस 52,400 यहाँ पे टोटल कोर्स फीस आप लोगों को लगने वाला है। टोटल कोर्स फीस मतलब कि 3 साल का टोटल आप लोगों को 52,400 आप लोगों का लगने वाला है। ओके, मतलब 52,400 से लेके 55,000 तक आप लोग अगर बंगाली में से कोई भी कॉम्बिनेशन लेके पढ़ना चाहते हैं फिर आप लोगों को यहाँ पे वही लगेगा। ओके, उसके बाद केमिस्ट्री का बात करें तो केमिस्ट्री का 70,000 के आसपास आप लोगों का लगेगा फीस, फुल 6 सेमेस्टर का, आप लोग ये पकड़ के रखिए। इकोनॉमिक्स का बात करें तो इकोनॉमिक्स का 55,000 के आसपास यहाँ पे जितने भी कोर्सेस हैं इकोनॉमिक्स के 55,000 के आसपास यहाँ पे आपका फीस हर सब्जेक्ट में लगने वाला है। एजुकेशन का अगर बात करें तो एजुकेशन का 52,000 से लेके 55,000 तक एजुकेशन में आप लोगों को लगने वाला है। और उसके बाद इंग्लिश का बात करें, इंग्लिश आप लोग करना चाहते हैं तो वही 52,000 से 55,000 तक आप लोगों का जितने भी कॉम्बिनेशन है उसमें आप लोगों का लगने वाला है। ज्योग्राफी का बात करें तो ज्योग्राफी में आप लोगों को 61,000 से लेके 65,000 तक आप लोगों को लगने वाला है। उसके बाद हिंदी का बात करें, हिंदी में वही सेम सारे के सारे 6 सेमेस्टर में 52,000 से लेके 55,000 तक, मतलब आप लोग ये समझ के रखिए कि आर्ट्स का जितना भी कोर्सेस है वो 55,000 से लेके 50,000 से लेके वहां पे आपका 65,000 तक आप लोगों का लगने वाला है। हिस्ट्री का भी सेम है, मैथमेटिक्स का आप लोग देख लीजिए, मैथमेटिक्स का आप लोगों का 57,000 से लेके 60,000 तक आप लोगों को लगने वाला है फीस जितने भी कॉम्बिनेशन से आप लोग पढ़ना चाहते हैं। फिलोसफी में वही 52,000 से लेके 55,000 तक, फिजिक्स में वही 65,000 तक फीस, और पॉलिटिकल साइंस में 54,000 से लेके 60,000 तक आप लोगों का फिजिक्स में आप लोगों का फीस लगने वाला है। साइकोलॉजी अगर करने वाले हो तो साइकोलॉजी में 60,000 से लेके 65,000 तक आप लोगों का फीस लगने वाला है यहाँ पे। और यहाँ पे एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, सेल्स मैनेजमेंट, ये सब सारे आप लोग करने वाले हो तो यहाँ पे आपका 70,000 लग जाएगा। ये सब सारे कोर्सेज भी यहाँ पे होते हैं। और क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड ये सब करने वाले हो तो 1,00,000 रुपीज का आपका सारे के सारे सब सेमेस्टर के फीस आप लोगों को लगने वाला है, टोटल कोर्स फीस जिसको बोल सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार आप लोग देख लीजिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसका। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे आपको 40% इन एग्रीगेट लाना है और 40% इन वो सब्जेक्ट लाना है जो सब्जेक्ट में आप लोग ऑनर्स करना चाहते हैं। तो कोई भी सब्जेक्ट में आप लोग 40% अगर लाए हैं
और 40% आप लोग का एग्रीगेट होना चाहिए और 40% आप लोग को उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में होना चाहिए जिस सब्जेक्ट में आप लोग ऑनर्स करना चाहते हैं, तभी आप एप्लीकेबल हो जाओगे, ऐसा कुछ बात नहीं है। ठीक है, चलिए, ये कॉलेज में एडमिशन कट ऑफ कितना जाता है? कट ऑफ यहाँ पे 60-70% जाता है। 60-70% आप लोग ले आए तो आप लोग आराम से एडमिशन ले सकते हैं गोखले मेमोरियल कॉलेज में। ठीक है, यहाँ पे आप लोग कट ऑफ देख सकते हैं इसका, बीएससी इन मैथमेटिक्स 531, बीएससी इन केमिस्ट्री 523, बीएससी इन केमिकल न्यूट्रिशन एंड ये तो यहाँ पे 480, ये सब सारे कट ऑफ है राउंड टू के, जो कि ऑल इंडिया बेसिस पे कट ऑफ था। ओके, अब प्लेसमेंट का अगर बात करें तो प्लेसमेंट भी बहुत ही अच्छा यहाँ पे ये कॉलेज प्रोवाइड करता है, जिससे ऑफकोर्स आप लोग कोई भी यूजी कोर्सेस कर रहे हैं तो यूजी कोर्सेस में आपके स्किल्स के ऊपर प्लेसमेंट होता है। अगर आप लोग का बहुत अच्छा से स्किल हुआ है तो प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा होगा, लेकिन ये कॉलेज भी ठीक ठाक से प्लेसमेंट आप लोगों को दे देता है। और यहाँ पे 3-4 लाख रुपए का सैलरी आप लोग पर एनम कमा सकते हैं यहाँ से कोर्सेस करके। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप प्लीज इस वीडियो को अगर एंजॉय की हो तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। अगर मेरे इंस्टाग्राम में मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को अभी तक फॉलो नहीं किया तो बिल्कुल फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और सबसे बड़ा बात कि मैंने कॉलेज बेस्ट कॉलेजेस ऑफ कोलकाता का रिव्यूज बहुत सारे बनाए हुए हैं, अगर उसको भी नहीं देखा है तो प्लीज उसको देख लेना एक बार, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, तो उसको पक्का से तुमको देखना है। चलो, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।